आपको लिए चलता हूं, उस क्रम से जोड़ता हूं। और साथियों, जैसा गुरु पूर्णिमा है और गुरु तत्व के तौर पर, गुरु आदर्श के तौर पर हमारे बीच में मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसी शख्सियत, ऐसे विद्वान हमारे साथ में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो गुरु के प्रतिरूप हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा धन लक्ष्मी घर पाकी पापी के भी होए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। और गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन मिटे ना दोष। ऐसे परम श्रद्धे गुरुदेव हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच के संत सुरक्षा मिशन विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के साथ भारत रक्षा मंच, हिंदू क्रांति सेना की तरह अन्य कई संगठनों में राष्ट्रीय एवं प्रदेश एवं कई तरह से दायित्व निर्वाह करने वाले, सेवाएं और मार्गदर्शन निरंतर पिछले 3 दशकों से देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हालांकि टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करूंगा कि आपको पटल पे ले आए। आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदकों एवं स्वर्ण मुकुट के साथ अनेकों अवार्ड से सम्मानित हैं। हम सबका, हमारे दर्शन का, हमारे सनातनी दर्शन का नेतृत्व कर चुके हैं। इससे पूर्व स्वामी जी अपने विद्यार्थी जीवन में ही खेलकूद एवं एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट इत्यादि में अग्रणीय भूमिका रही है। साथ ही इन क्षेत्रों में इनका बड़ा योगदान है। साथियों, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में एनसीसी में ABC सर्टिफिकेट के साथ ऑल इंडिया ऑल राउंड बेस्ट के अतिरिक्त कई विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं, जिसमें 28 दिनों का कमांडो प्रशिक्षण भी है। स्वामी जी मूल रूप से योग एवं तंत्र की साधना बाल्यकाल से ही करते आ रहे हैं और संन्यास परंपरा के अंतर्गत इन्हें कर्म संन्यास के दीक्षा भी प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न अनुषांगिक शाखाओं में कार्य करते हुए कई चर्चित घटनाओं का सूत्रपात भी आपने किया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय चर्चित तारा शाहदेव कांड एवं ऋचा भारती कांड, जिसे कोर्ट के माध्यम से कुरान बांटने की सजा दी गई थी। इनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप कोर्ट को अपना निर्णय बदल कर देना पड़ा। आप संगीत के मर्मज्ञ हैं, गहरी रुचि है, और मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस